भारतीपुर में भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री के घर के समीप स्थित शिव पार्वती मंदिर के पास ओमती पुलिस ने दबिश देते हुए अवैध कच्ची शराब बनाने वाले का पर्दाफाश किया है। मौके से शराब बनाने वाला फरार हो गया है। साथ ही मौके से 3 जलती हुई भट्टियां मिली हैं, साथ ही 3 कुप्पियां भी मिली हैं जिनमें कच्ची शराब भरी हुई थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि अवैध कच्ची शराब बनाने वाला दयाराम सोनकर है, जिसके ऊपर पहले से भी कई प्रकरण दर्ज हैं। वहीं वो मौके से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। ओमती थाने अंतर्गत भारतीपुर में शिव पार्वती मंदिर के पास एक घर है जिसमें कि जलती हुई भट्टी जिसमें अवैध कच्ची शराब से बन रही थी, उसका जो है खुलासा हुआ है। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया है कि ऐसे अगर कोई भी कार्रवाई होती है तो इन पे सख्त से सख्त जो है एक्शन लिया जाए। और ये फरार हो गए हैं, अभी इनकी तो तलाश की जा रही है। अभी महिलाएं हैं इनके घर में और जो भी लाहन है इनकी भी जो है तलाश की जा रही है, इन पे सख्त कार्रवाई होगी। अभी ये दयाराम है, दयाराम सोनकर, इनके ऊपर पहले से भी जो है शराब के प्रकरण है, 34-2 का एक प्रकरण रहा है, इनकी जो है तलाश की जा रही है। और इनके पहले भी जो भी आपराधिक रिकॉर्ड है इनके आधार पर इन पे जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी लगभग 3 जो है भट्टियाँ मिली हैं और अभी लगभग 4 से 5 कूपियाँ मिली है लगभग कच्ची शराब की, ये बिल्कुल मैन्युफैक्चर्ड है। और भी जो तलाश की जा रही है, अवैध लाहन कहाँ पे स्टोर है इनकी भी जो है तलाश कर रही है।